मानो या ना मानो। रानी लक्ष्मीबाई जिनकी बहादुरी से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ है, जिसने तलवार के दम पर अंग्रेजों के माथे पर पसीना ला दिया था। रानी लक्ष्मीबाई के वीरता के किस्से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। झांसी के गणेश मंदिर में राजा गंगाधर राव के साथ मात्र 15 साल की उम्र में शादी करने वाली लक्ष्मीबाई का नाम पहले मणिकर्णिका था, जिसको बाद में बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया था। विवाह के कुछ ही दिनों के बाद गंगाधर का निधन हो गया। लक्ष्मीबाई ने गंगाधर की याद चिरकाल तक रखने के लिए 21 नवंबर 1853 को एक स्मारक बनवाया, जिसे अब महाराजा गंगाधर राव की छतरी कहा जाता है। वहीं झांसी के पास एक बड़ा तालाब है, जिसे अब लक्ष्मी तालाब के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई महालक्ष्मी मंदिर में पूजा करने जाती थी, तब वो इस तालाब से होकर गुजरती थी। गंगाधर राव के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार भी यहीं किया गया था, लेकिन आज इस तालाब की हालत खस्ता है। तस्वीर में जो आप महल देख रहे हैं, वो गवाह है लक्ष्मीबाई की वीरता का। 1613 में ओछा के राजा वीर सिंह द्वारा बनाए गए इस किले को 400 साल हो गए हैं। कई मराठा शासकों का झांसी पर शासन रहा है, लेकिन किले को रानी के नाम से ही जाना जाता है। रानी की वीरता की कहानी किला सहेजे है। अंग्रेजों से खुद को घिरता देख लक्ष्मीबाई ने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ से बांधकर अपने घोड़े पर बैठकर 100 फीट ऊंची दीवार से छलांग लगाई थी। लक्ष्मीबाई के इसी प्रसंग को सुनकर लोग उत्साहित और रोमांचित हो यहाँ इस किले का दीदार करने आते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अपने कमेंट जरूर लिखें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल मानो या ना मानो को सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसी तरह की अविश्वसनीय अकल्पनीय मान्यताओं और कहानियों के लिए देखते रहिए मानो या ना मानो।